हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरोहिका व्लॉग्स। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन वर्क जो कि मैं करती हूँ, लेकिन मैं डेली यही सब काम नहीं करती, लेकिन आज मैं जो कर रही हूँ वही बस शेयर कर रही हूँ। और जैसे सब लोग करते हैं, सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं और अपनी स्टार्टिंग कैसे करते हैं, वैसे ही मैं भी स्टार्ट करती हूँ। तो सारा काम हो चुका है और मैं अभी थोड़ा सा अपने लिए पानी गर्म करूँगी। और मॉर्निंग में हमें थोड़ा सा पानी, मतलब होता है ना गुनगुना पानी पीना चाहिए, तो वही पानी मैं यहाँ पे गर्म कर रही हूँ अपने लिए। तो सबसे पहले तो हमें पानी पी लेना चाहिए खाली पेट, उससे अच्छा रहता है। तो बस यही पानी ही गर्म कर रही हूँ पीने के लिए, और उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा डेली का रूटीन वर्क। क्योंकि बच्चों का आजकल स्कूल है नहीं, तो फिर जहाँ से मन करे वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। तो या तो आप जल्दी उठ सकते हैं या थोड़ा सा लेट भी कर सकते हैं। वैसे तो बच्चों की ऑनलाइन क्लास चलती ही है, तो मैंने हल्का गुनगुना पानी कर लिया है, और थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया तो इसलिए थोड़ा सा इसमें हल्का मिक्स भी कर लिया है ठंडा पानी नॉर्मल, और इसे मैं पी लेती हूँ खाली पेट। गुनगुना पानी पीने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ये तो सभी लोगों को पता होता है। तो पानी पीने के बाद चलिए मैं दिखाती हूँ कि और आगे हम क्या क्या करने वाले हैं, और सुबह नाश्ते में क्या बनाने वाली हूँ वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ बच्चे लोग बैठ गए हैं अपना ऑनलाइन क्लास करने के लिए, और अर्ली इन द मॉर्निंग ही स्टार्ट हो जाती है इन लोगों की क्लास। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं छत पे। तो छत से यहाँ का नज़ारा देखिए, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का, और बारिश हुई है तो जगह जगह पानी भी भर गया है, तो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। और यहाँ मैं खड़ी हूँ, लेकिन मुझे ध्यान नहीं था कि बारिश के चलते देखिए चींटियाँ भी आ गई हैं, और कितनी सारी चींटियाँ मेरे पैरों पे चढ़ गई। और छत पे तो थोड़ा सा ऐसा होता है ना, गीला रहता है, तो आ जाती हैं चींटियाँ। देखो सुबह सुबह आइए, देखो एरोप्लेन कहाँ है, उड़ गया क्या? उड़ गया, दिख ही नहीं रहा है। मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी यहाँ पे घूम रही है, हम लोग छत पे आए हैं। अच्छा लग रहा है सुबह यहाँ पे। सुबह क्या 8 बज गए हैं, और थोड़ी बहुत धूप भी निकल आई है, ये दिख रहा है बाहर का छत से। हाँ रुको, सुबह का ही व्यू है, बहुत ज्यादा मतलब धूप नहीं हुई है लेकिन हल्का मौसम है। यहाँ छत से देखो बाहर का कैसे, यहाँ के घर देखो। सुबह का पूरा लोकेशन। और हम लोग सबसे ऊपर वाली छत पे है ना, नीचे वाली छत है। यहाँ मेरी बेटी एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा देख रही है, तो उसे देखने की कोशिश करती है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं भी देखती हूँ कहाँ है वो बिल्ली का बच्चा, छुप गया है यहाँ नीचे। तो हम ये जो विंडो दिख रहा है ना होल, उसके अंदर से देखते हैं कहाँ पे है ये बिल्ली का बच्चा। यहाँ बिल्ली ने 2 बच्चे दिए हैं, और वो अक्सर यहाँ पे खेलती हैं, छोटी छोटी सी हैं बिल्ली के बच्चे। तो ये देखिए, ये रही, ये खिड़की के अंदर है यहाँ पे, ये छुप के बैठी है। और फिर हम आ गए हैं नीचे, और अब बनाएंगे चाय। तो चाय बनने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है, पानी गर्म हो गया था तो चाय पत्ती और चीनी डाल दिया है, और यहाँ डाल देंगे कुटी हुई अदरक और काली मिर्च। और एक साइड में मैंने गैस पे ये दूध बॉयल होने के लिए भी रख दिया है, साथ में दूध भी बॉयल हो जाएगा। और देखिए चाय भी रेडी हो गया है लगभग। तो आज मैं बच्चों के लिए पास्ता, मैकरोनी पास्ता बनाने जा रही हूँ, और उसके साथ चाय भी रेडी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो आजकल वैसे भी इम्यूनिटी के लिए चाय ज़रूरी है, क्योंकि कोविड के चलते चाय ना पियो तो कुछ भी नहीं है। तो आज हम पास्ता, मैकरोनी पास्ता के साथ चाय भी पियेंगे। ये देखिए मेरी चाय बॉयल हो चुकी है, पक चुकी है,
और हम अब स्टार्ट करेंगे मैकरोनी बनाना। तो यहाँ मैंने एक पैकेट ले लिया है मैकरोनी बनाने के लिए और इसको कट कर दिया है। और ये बच्चों के लिए, बच्चों को बहुत ही पसंद है, तो इसमें कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी डालते हैं। तो ये देखिए, ये वाला मैकरोनी है, यहाँ पे देखिए अच्छे से दिख जाएगा। मैंने यहाँ पे सारा निकाल के रख लिया है और ये इस टाइप से है, ये वाले हैं। और ये देखिए, दूध भी बॉयल हो चुका है। अब हम यहाँ पर दूध को हटा देंगे, गैस से ये बंद कर दिया उसका बर्नर। और यहाँ पे पास्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए, और वेजिटेबल्स भी चॉप करके रख लिए हैं। और ये जो मैकरोनी पास्ता है इसको निकाल के रख लिया है। और कुछ मसाले भी मैं डालूँगी, जो देसी मसाले जो हम घर में यूज़ करते हैं वैसे ही बनाऊँगी, सिंपल जो देसी टाइप से ही बनाएँगे। और यहाँ पर है ना, पानी जो बॉयल होने के लिए रखा था उसमें नमक डाल दिया और फिर थोड़ा सा तेल भी डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल है ये। और ये यहाँ पे वेट करेंगे कि जब ये बॉयल होने लगेगा, जब ज़्यादा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें मैकरोनी डालेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा ना कि बॉयल हो जाएगा जब पानी और इसमें डालेंगे मैकरोनी, तो ये चिपकता नहीं है। ऐसे यही फ़ायदा है कि ये चिपके ना तो ज़्यादा अच्छा है, मैकरोनी को इसमें डालने से अच्छा रहता है। तो जब तक पानी बॉयल होता है तो हम अपने मसाला और भी जो सॉस वगैरह है वो निकाल करके फ्रिज से बाहर रख लेते हैं। तो यहाँ मैंने सोया सॉस और टोमेटो सॉस और एक और टोमेटो ला करके रख लिया है, उसको भी काट करके रख लूँगी। तो जब तक पानी बॉयल हो रहा है इन सबको हम यहाँ पे रेडी कर लेंगे, अपना जो भी है मसाला वगैरह सब कुछ ला करके रख लेंगे। पास्ता मसाला भी रख लिया और ये देखिए, ये हमारा पानी बॉयल हो चुका है, तो इसमें हम मैकरोनी को डाल देते हैं। ये देखिए, डालने से ये कैसे हो गया। अब हम इसको थोड़ा देर तक चलाएंगे, अपने आप ही जब पानी बहुत अच्छे से बॉयल होने लगेगा मिक्स हो जाएगा अच्छे से। तो इस तरह से नाश्ते में यार आजकल तो कुछ भी बना सकते हैं, थोड़ा बहुत या तो उपमा बनाओ, पोहा बनाओ, पास्ता बनाओ, चाउमीन बनाओ, क्योंकि बच्चे घर पे हैं तो उनकी पसंद का कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ता है। तो ये देखिए, ये बॉयल होने लगा है और इस तरह से पानी ऊपर आ गया है। तो इस तरह से हम इसको तब तक बॉयल करेंगे मैकरोनी को जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। और ये पास्ता मसाला है, यहाँ पे ला करके हमने रख लिया है। पास्ता मसाला घर में है तो ठीक है, नहीं तो मार्केट से भी ला सकते हैं, और नहीं तो फिर यार जो सब्ज़ी में मसाले डालते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, उनसे भी अच्छे मतलब पास्ता अच्छा बन जाता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट से ही लाएँगे मसाला तो ही बहुत अच्छा बनेगा। अभी देखिए, अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम इसका पानी मतलब इसको वॉश कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो चिपचिपा सा होता है ना वो निकल जाएगा। तो इसमें ठंडा पानी डाल करके हम इसको यहाँ पे छान लेंगे। तो कम से कम एक दो पानी मैंने यहाँ पे धो लिया है और इसको जो पानी है उसको निकाल दिया है। तो इस तरह से आपस में चिपकते नहीं हैं और खिले खिले से मैकरोनी अच्छे से बन जाती है। तो या तो आप जो जाली वाली होती है ना छलनी, उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे हाथ से ऐसे ही किया है और इससे अच्छे से खिला खिला भी हो जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चिपकेगा। तो इस तरह से हम ये ठंडे पानी से अपनी मैकरोनी को निकाल करके रख लेंगे एक अलग प्लेट में। उसी भगोने में मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है जो कि गर्म हो रहा है, और सब्जियाँ काट के रख ली हैं। तो फिर अब तेल गर्म हो गया तो इसमें हमने डाल दिया है प्याज, और जो भी सब्जियों में हम डालते हैं ना वही वही सब चीज़ें यहाँ पे मैंने यूज़ की हैं। प्याज है, लहसुन है, मिर्च है, और यहाँ पे वो जो बीन्स होती है ना वो वाली बीन्स हैं कटी हुई। बच्चों को इस तरह से सब्जियाँ भी खिला सकते हैं, कुछ इस तरह से बनाएंगे आप मैकरोनी पास्ता या फिर चाउमीन बनाते हैं ना, उसमें आप अच्छे से कोई भी वेजिटेबल डालिए तो बच्चे लोग अच्छे से खा लेते हैं। बीन्स डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ बीन्स ही डाले हैं। तो इसको जब बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, प्याज को बहुत लाल नहीं करना है, जलाना नहीं है, हल्का ब्राउन हो जाए, गोल्डन हो जाए, तो बस इसमें आप वेजिटेबल्स डाल दीजिए, टमाटो डाल दीजिए और आराम से हो जाएगा। और पास्ता जो बनाते हैं ना तो इसमें टमाटर तो पड़ते ही हैं, तो आप अपने हिसाब से टमाटर यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, चाहे तो हल्का सा हाफ टेबल स्पून आप शुगर भी डाल सकते हो। और इसमें सोया सॉस और जो भी सॉस है हमारे पास टमाटो सॉस वो डाल देंगे। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मसाला भी डाल दिया है, सब्जी वाला मसाला,
जो हम सब्जी में यूज़ करते हैं। और फिर नमक डाल दिया है, मिर्ची आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ये स्पाइसी पास्ता बन के ना बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आया था, मतलब ये बहुत अच्छा लगा था खाने के बाद, तो इतना ही अच्छा टेस्ट आ रहा था इसका कि पूछिए ही मत, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से आप भी पास्ता घर में बनाइए और बहुत अच्छे से एंजॉय करिए पूरी फैमिली के साथ, या तो नाश्ते में बनाइए, नहीं तो फिर आप शाम के नाश्ते में बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों सॉस डाल दिए हैं, और ये जो सोया सॉस है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मेरे बेटे ने डाल दिया उसमें, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया वो। तो इस तरह से ये हमारा सॉस रेडी हो गया है वेजिटेबल के साथ, अब हम इसमें मैकरोनी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे फिर, ताकि ये अच्छे से हमारा चलाते रहेंगे। और इसको देखिए पूरा पास्ता डाल देंगे इसमें, देखिए। अब इसको मैकरोनी बोलिए या पास्ता बोलिए सेम ही है, तो ये मैं इसको मैकरोनी ही बोलती हूँ। तो ये देखिए दोनों इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर, और ये लगभग हमारा रेडी हो चुका है पास्ता बन के। और इसमें मसाला डालना ना भूलें, मसाले भी डाल दें तो इससे अच्छा सा बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट तो बहुत ही गजब का आता है। मुझे लगता है आजकल ज़्यादातर बच्चों को पास्ता पसंद है, चाउमीन भी पसंद है, तो इन लोगों को मतलब है ना, इनके टेस्ट का ध्यान रखते हुए इनको बना बना के खिलाना ही पड़ता है। और आजकल तो देख ही रहे हो बच्चे लोग घर पे हैं, तो इनको तो बस कुछ ना कुछ हर वक्त खाने के लिए चाहिए। तो आज हमारा ये मैकरोनी पास्ता बन के रेडी हो रहा है। तो इसके ऊपर हमने नमक डाल दिया, सॉस डाल दिया, और बहुत ही अच्छा सा ये हमारा लाजवाब पास्ता बन के रेडी हो गया है, ये देखिए। अब इस तरह से मैंने सर्व कर दिया है बच्चों के लिए, अब बच्चे लोग इसको खाएंगे।